अस्सलाम वालेकुम संगत ही तां दिसी रहा वाक्यो ये जो को आ कराची खां पिंडी वनी रही तेजगां सुबह सुन जी गाड़ी के बाहर लगी भैया ये दिसी सको ता ता जो पान ये दिसो खुदा जाने केड़ी वजह तो लगी आ ते चार सबब थी सकंदा बस इन में ता अल्लाह जी रजा ही होई जो पान जैन अल्लाह जी रजा दिसो तो को मास्टरल्ला ही मानू जो पान ही डबो तो पूरो मानू सा भरेल होयो ए खुदा मुझे अंदाजे में तो पूरो सड़ी हो ए एक अमरा दिसो खिड़की खा अरे खुदा के बंदे ऐसा ना करो यार अस्तगफुरल्ला ही तमा दिसी रहया हो ता तांगी दिसा रे रहया हूं लो ये देखो टे चार दबा तां से कंप्लेन जो पान सही हुई दबा टोड़े वो रे कया है हू को ना हो रे कया नहीं ता दिसी सबो ता ये विच में बा लगी है डबन जे विच में आगे आगे मेहनत के लगी है ਯਾਰ ਤੋ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਜਰਾ ਨਦੀਮ आज सुबह 6:30 बजे तेजगाम में अमीर हुसैन साहब जो तबलीगी जमात के अमीर हैं उन्होंने दो कोचेस बुक की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं और इसमें मेरापुर नवाबशाह हैदराबाद से उन्होंने सवारियों को बैठाया। इसमें दो सिलेंडर और एक चूल्हा फट जाने की वजह से 62 पैसेंजर जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 33 जख्मी हैं। 13 पहले शहीद थे और ये बाकी जो है ये जो उसमें से 49 जो हैं ये कोचेस जब कूल डाउन हुई और आग बुझ गई वहां से निकली। इस तरह तमाम लोगों के लिए 15 लाख रुपया जो लोग जाँ भागु हैं उनके लिए और 5 लाख रुपया जख्मियों के लिए ऐलान किया जाता है। आर्मी जो है मौके पर इमदाद के लिए और दूसरी इमदादी जमातें पहुंच चुकी हैं। मैं खुद भी आर्मी चीफ का मशकूर हूं, उन्होंने मेरी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया और मैं एयर मार्शल नूर खान एयर बेस से जा रहा हूं भावलपुर रहीम यार खान ताकि इस रेस्क्यू को और इसकी तिब्बी इमदाद को खुद देख सकूं। और जो ये कहा जा रहा है उस अमीर हुसैन साहब से रابطہ हो गया, उनके पास तमाम लोगों के नाम मौजूद हैं, हम उन फैमिली से भी रابطہ कर रहे हैं। 7 करोड़ लोग सालाना रेल में सफर करते हैं और हमारे दौरे हुकूमत में 1 करोड़ का इजाफा हुआ है, इसलिए वैगन्स जो हैं उसकी जो शॉर्टेज होती है उसमें ये 2 लाख तबलीगी जमात के लोग ज्यादातर रेलवे को इस्तेमाल करते हैं। हमने अभी रायवेंट स्टेशन ओपन किया और जो 134 ट्रेनें हमारी चलती हैं सबका 2 मिनट का हमने रायवेंट पर स्टाफ दिया, लेकिन ये हमारी कोताही है कि इसमें ये चूल्हे ले जाने में कामयाब हो गए और सिलेंडर के फटने से छोटे स्टेशनों पे हमारे पास स्कैनर नहीं है, बड़े 7 के 7 डिविजनल हेडक्वार्टरों पे स्कैनर है। ये एक खूनी हादसा हुआ जिसका बहुत अफसोस है, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और उनके खानदान को सब्र जमील अता करे।
और ये यार सोना फ्रेम जाओ जवाब लोग हम नहीं मिल लिए करो मैं जा रहा हूं यार आप नहीं एक मिनट खामोश एक मिनट खामोश जी सर सिख साहब खामोश हो जाओ ये 70-72 कैजुअल्टीज हैं और 33 पेशेंट हैं इंजर्ड हैं 5 यहाँ हैं लियाकताबाद से हम आर्मी के मशहूर हैं लियाकतपुर से हम आर्मी के मशहूर हैं कि उन्होंने बड़ी क्विक सर्विस दी है और 9 पैसेंजर जो हैं वो मुल्तान लेकर गए हैं अभी मैं मुल्तान जा रहा हूँ CMH यहाँ से रहीम यार खान के बाद मैं मुल्तान जा रहा हूँ और कुछ पेशेंट जो हैं वो भावलपुर लेकर गए हैं वो भी खाली कर रहे हैं सारे पेशेंट जो हैं या वो रहीम यार खान ला रहे हैं या CMH मुल्तान लेके जा रहे हैं और ये जो यहाँ ज़ख्मी हैं ये सारे मीरपुर खास से हैं ज़्यादातर और ये जमात जो थी ये तीनों के तीनों डब्बे ज़्यादातर मीरपुर खास के या नवाबशाह और हैदराबाद से थे और ये जब आग लगी नाश्ते में और जब नाश्ता जो फटा उससे दोनों ये जो है सिलेंडर और उनका चूल्हा फट गया जिससे आग जो है पीछे की तरफ जाती है आग ट्रेन में हवा तेज़ होती है इनकी कोचेज़ जो हैं इकॉनमी की ये बुक थी एक साहब ने जो सारे नाम हैं उनसे हम रबते कायम कर रहे हैं ये आग पीछे की तरफ गई है और थोड़ी आग इसकी बिजनेस क्लास में भी गई है ज़्यादा 90% कैजुअल्टी 98-95% इन्हीं तबलीगी जमात के लोगों की हुई है और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और मैं आर्मी का और आर्मी चीफ का ख़ास तौर कमर जवेद बाजवा का मशहूर हूँ उन्होंने मेरे ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम किया अपना खसूसी जहाज़ दिया और तमाम मरीज़ों को भी मुल्तान अभी 9 मरीज़ और आ रहे हैं बस ये लैंड करने वाले हैं 9 मरीज़ और आ रहे हैं ये एक बहुत बड़ा हादसा है तमाम जो लोग जहाँ भागु हैं हर एक के लिए 15 लाख रुपया फिल फॉर और 5 लाख रुपया ज़ख्मी के लिए इमदाद ट्रेन में दोनों ट्रेनों ट्रैक खुल चुके हैं कोई जो हादसा होना था वो हो चुका है सारी 134 ट्रेनें इस वक्त चल रही हैं 7 करोड़ पैसेंजर हमने 1 करोड़ पैसेंजर बढ़ाए हैं और फ्रेट वैगन 7 से 16 की हैं लेकिन रेलवे में हादसा होता है तो सारी कारकर्दगी जो है वो मान पड़ जाती है इसलिए ये वो वक्त गाड़ी चल रही थी 120-110 की स्पीड से एग्जैक्ट नहीं पता 100 से ज़्यादा थी काटने के लिए गाड़ी के सिग्नल फौरी तौर पर रुकी है हर गाड़ी में गाड़ी रोकने की एक खींचने की चेन होती है जब वो चेन रोकी गई तो उसी वक्त रुकी गाड़ी लेकिन क्योंकि धमाके जो हैं 2-3 हुए जिससे कि ट्रेन एकदम सारी लपेट में आ गई और कुछ लोग मरे जिन्होंने छलांगे लगाए वो आपका एनी चैनल कह रहा है कोई 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 किसी किस्म का मसला नहीं है गलती ये हुई है कि हमें ये चूल्हे और ये सिलेंडर जो हैं ये हमारे महकमे को नहीं जाने चाहिए थे 2 लाख आदमी जाते हैं 28 तारीख से ले कर 10 तारीख तक उसमें वो छुपा के चूल्हा ले जाते हैं एक रवायत ऐसी है कि तबलीगी जमात वाले अपना सारा राशन लेकर जाते हैं डाइनिंग कार तमाम ट्रेनों में खत्म कर दिया गया क्या ये उसकी वजूहत नहीं ये उसकी कोई वजूहत नहीं है तमाम गाड़ियों में हम डाइनिंग दे रहे हैं ठेकेदार से पैसे नहीं ले रहे जितने का खाना है उनका दे रहे हैं ये हादसा इसलिए हुआ कि तबलीगी जमात वाले अपना 15 दिन का राशन ले के चलते हैं तमाम बर्न यूनिट नहीं है ये यहाँ पे बर्न यूनिट के मरीज नहीं लाए वो CMH मुल्तान ले गए हैं उधर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे सारा ब्लड अवेलेबल है सारा इनके इंतजाम ज़बरदस्त हैं मैंने MS साहब से पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत है एक आदमी ऑपरेट हो रहा है एक आदमी के एक्सरे हो रहे हैं 9 आदमी और आ रहे हैं सो बाकी जो बर्न यूनिट हम मुल्तान CMH ले गए हैं थैंक यू वेरी मच